नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, आज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं ख्वाजा फतह की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़ाकम इस्लाम मौलाना जफर अली खान साहब की सरजमीन पर पहुंच चुके हैं और खतीब नुक्तादान, खतीब बेबदल हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल गफूर अदारवी नबर अल्लाह मरकज़हु आपकी सरजमीन पर पहुंच चुके हैं। और मैंने तो बाबा जी से बारहा इन बुजुर्गों का जिक्र सुना है, उनकी भी चंद बातें सुनाता हूँ। लेकिन जिस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जिंदगियां गुजारी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके वारिस और उनकी औलादें और उनके जानशीन और उनके मानने वाले भी उसी मकसद के ऊपर खड़े हैं। और ये वजीराबाद की सरजमीन तो वो सरजमीन है हमारे मुफ्ती वजीर साहब का है, जिनकी वजह से वजीराबाद है। क्या बात, क्या है जी मुफ्ती वजीर साहब। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी दास्तान, इसका जो पहला दर था ना, अभी तक तो कुफर को हो नहीं गया, अभी एक और होने लगा इंशाअल्लाह। और अगर कुफर फैजाबाद नहीं भूल सकता ना, तो जो वजीराबाद का मार्का है वो भी नहीं भूल सकता। यहाँ ही तो आप लोग बैठे थे और मुझे आगे कहा हमने फोर्सेस लगा दी है, हमने जनाब हर चीज बंद कर दी है, कंडा तार लगा दी है, करंट छोड़ दिया है और जनाब हम आपको पुल क्रॉस नहीं करने देंगे। मैंने कहा भला आपका है, जो आप चाहते हो कर लो, लेकिन ये याद रखना अगर तुम समझते हो कि पुलों के ऊपर पानी छोड़ोगे, दरिया का पानी छोड़ोगे तो कहाँ तक ऊपर जाएगा। उसने कहा बहुत ऊपर जाएगा, ये 30 फुट। मैंने कहा और ऊपर बता, कहता 40 फुट। कहता पुल को जा टकराएगा पानी। मैंने कहा चलिया साढ़े मुंडिया का इश्क सुनिया सितारे वाली होते। और ये नहीं कि उस दिन खड़े असि, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी खड़े आ, जिस दिन का इश्क उसे तरह जरा प्यार है। जो सवेरे ऐलान हो रहे वो दो चार घोड़े मंगा लिए, रियाज पा लिए, एक बात और शेर हो जाए, महफिल कौन मकाम में सारो शाम फिरे, लेके मरे तो ही सिफत जाम फिरे, जो हमें दश्त में लेके तेरा नाम फिरे, और तुझको मालूम है कभी ना काम फिरे, दश्त तो दश्त है आप ही ना छोड़े हमने, और बाहरे जुलुमात में रड़ा दिए घोड़े हमने। और साहबा था फिर साहबा ना है जी, हजरत साथ में नबी वकास जब किसरा महल के सामने आए ना, तो सामने दरिया नजर आया तो उन्होंने क्या भाई हूं तो इन्हें कश्तियां है नहीं, हाँ जी हूं तो इन्हें जनाब साजो सामान है नहीं, बहरी में बारी बेड़े है नहीं, ये किस तरह पहुंचेंगे किस तरह महल तक। क्यों जनाब ना चला सर उन्होंने कुछ नहीं, इतनी देर हजरत साथ पे अभी वकास और हजरत माज बिन जबल ने अपना घोड़ा के पीता और कहने ने अपना घोड़ा हजरत सात बिन मुआज अभी वकास ने कह दो ना पाया कि जे साडे नेकियां ज्यादा होइयां ता अज असीं झुकांगे नहीं, अगर साडे गुनाह ज्यादा हो गए तो फिर असीं अज झुक जावांगे। हजरत सात बिन अभी वकास ने जदों बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया दे अंदर घोड़ा सुटिया ना, ते सामने किसरा दे फौजी जेड़े खड़े सन ना, उन्हें कहा दीवामन दीवामन, उन्हें कहा ये इंसान नहीं है, तो कोई मजनू ते पागल आ रहा है। जदों तुसी इत्थे फैजाबाद जनाब वजीराबाद पहुंचे सो ना, तो कहते सर भाई ये कोई और मखलूक है, ना तो गोलियां ना डकी जा रही, ना शैलर ना डकी जा रही, ना तेजाब वाले पानी ना डकी जा रही। मैं कहो ये कभी इश्क भी डकिया गया चलियो, मेनू लगता तुहाडा मूड कोई नहीं तकरीर करन दा, तो मैं बंद कर मोहम्मद अरबी का दीन पर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई शहर, कोई करिया, कोई नगर, कोई गांव, बच्चे बूढ़े हमारी माएं बहनें सब हाथ उठाकर कह रहे हैं कि इंशाल्लाह अब हम 76 साल हमने बड़े संग बर्दाश्त किए, बड़े रंग बिरंगे नारे सुने, बड़ी जनाब रंगीन और मीठी आवाजें सुनी और बड़े अपनों और बेगानों के जनाब धोखे सहे, लेकिन इंशाल्लाह अब हम मोहम्मद अरबी के दीन के साथ खड़े हो गए।
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਵੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਖਬਰ ਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੋ ਜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣਗੀ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ अगर कल ना बनी तो फिर उदो तक रोड भी बंद है असं नहीं बंद कर रहे यार इस तो मुराद दे के राशी इतना कौम इतनी नंगर का राज कोई नहीं असं तो रोड नहीं बंद किया है राशी इतना कोई लग के बिका कभी लगेगा कौम इतनी आ गई अजय तो मजीद अगे बड़ी आ रही है इंशाल्लाह असर इतनिया सवारी इतनिया सारा कौम इतनी असान रोड बंद करने की लड़ ही नहीं शेर आफाकी हो
नमाज अच्छी थी, बहुत अच्छा, आज अच्छा ऐना शहर है, ऐजमा के शहर खड़े हैं। और जनाब मैं जब तक कटवरों में ख्वाजा है बता की इज्जत है और शायद काम भी मेरा ये हो नहीं सकता। ये उन्हें नचासी उन्हें बारे सा इरा दा ईमान था कामिल होना ईमान तरीक कहना चाहिए इरा दी जिंदगी कामिल था होंगी जब लंदन में जाके बैंक में सोचते जब एवन फील्ड बन गए जब जनाब इरा दे स्विस बैंक का अकाउंट बन गए एक कामिल सियासतदान इतने बन गए। यार मैं बड़े अपने दोस्तों को सुनना ओ जी 5 रुपया दा मालिक है ओ जी जनाब 500 रुपया दा मालिक है साडे नजदीक इना शिदत दी कोई हैसियत नहीं। अदर दे नौमान में मुकरम जब कहने यात्रा के दरबार तो उन्होंने जनाब वापसी से मजाकन उन्होंने क्या मिठाई भी ले जाओ नाल ते जब आपने सिर से चुकिया ना तो आपको अंदाजा हो गया कि मिठाई नहीं है। उन्होंने मिट्टी का टोकरा भर के देता या आपने मिट्टी का टोकरा सिर से रखा तो वापस साहबा को आ गया हुजूर दे गुलाम हर चीज की लज्जत है ने उन्होंने कहा सगड़ो अपने दोस्तों में आ गई तो उन्होंने ना साहब वापस उन्होंने कहा मेरी दो सगड़ो मुबारक हो उन्होंने मिट्टी अपने आप साढ़े हवाले कर दी। सामने पड़े दो हैकल घोड़े सवार होकर आया और बड़ा जनाब बड़ा बड़ा पहलवान आया वो आया कि हजरत अमर बिन मादी के बाहर निकले और तेरे जनाब मुवादत करने वास्ते आप लोग ते घोड़े के दोनों में आकर के हाथ से रेड कैन पकड़ लिया और मैं चल बात चोएगी जड़ा तो घोड़ा हिला के बेटा है जी जड़ा तो घोड़ा हिला के बेटा हजरत फारूक आजम के दौर में आपकी तलवार की बड़ी जनाब शोहरत हो गई बड़ी शोहरत हो गई। कहते थे अमर बिन मादी की बड़ी तलवार काट कर दी ये मैं उन्हें वास्ते सुना लगा जेडे कहते थे असि आजादी की जंग लड़नी जेडे कहते थे वोट को इज्जत देनी है जी। हजरत अमर बिन मादी की तलवार की तो बड़ी शोहरत हो गई हजरत फारूक आजम ने मदीना पाक से बुला ली तलवार मंगा ली जब मंगाई थी किसी मुजाहिद को लेके जंग भेजा और वापस आए उन्होंने पूछा भाई दसो तलवार कैसी चली उन्होंने कहा जनाब बस गुजारे लायक है कोई खासियत इसकी कोई नहीं। हजरत उमर ने अमर बिन मादी करम को खत लिखा भाई अमर बिन मादी करम तेरी तलवार की शोहरत तो है जी है कोई नहीं जनाब असि जंग जसमाई कोई खासियत इसकी नहीं है। हजरत अमर बिन मादी करम ने जवाब हजरत अमीर मोमिनीन को अर्ज की खाते फरमाया अमीर मोमिनीन अमर बिन मादी करम ने तलवार भेजी हाथ नहीं भेजा ना जनाबे मौला कायनात इतने भी सामने ना वो चीज हम भी बड़े आज के रसूल हैं
और मैं तो तेरा इश्क रसूल उदो कहते सी जो मदूना दस रही सी बात, तेरा इश्क रसूल उदो कहते सी जो मुमताज कादरी फटे आ जाता, तेरा इश्क रसूल उदो कहते सी जो फैजाबाद के गोलियां ते शल बरस रहता, तेरा इश्क रसूल उदो कहते सी जो जनाब सबीर उम्मत बदलने वास्ते कौम के बच्चे रोडों में लंबे प्यार सुनने दे नारा लाते गोलियां खा रहे थे, तेरा इश्क रसूल उदो कहते सी जो वजीराबाद की सरजमीन उत्ते आशिकाने रसूल जनाब चखपस्ता हवा कह रहे सन और खंदा काला दिन सी कितने हो गई जनाब, वो जनाब कितना पुराने मरीज दी पे कितने बन गई,
खानकाहों में कहीं लज्जत आसरार भी है, मंजिल रहनुमा दूर भी दुश्वार भी है। दूर भी दुश्वार भी है, इस काफले में कोई काफला साधार भी है। कहना जिन्हों पूछो बड़ा मुजब्बे मुजब्बा मुजब्बे अल
अल्लाह की कसम है क़यामत वाले दिन हुज़ूर ने फरमाया मैं पैरा उलमा नु जनाब है लगामा पाईया जानियां मैं वो मंजर देखना जड़े हाथ जड़ जाए कि तुम्हारे हाथ दे आप जड़ जाए कि तुम्हारे हाथ दे यार जैसी अपने वास्ते निकले ना चलो सानू छोड़ो तुम हुज़ूर दे दीन वास्ते निकलो असि तुहाडे पिछे है अपने आप सारे आमीन अल्लाह
ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਆਮੀਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇ ਗੈਰਤ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਸਮਾਦ ਵੀ ਆਵੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕੋ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਲੇਕਿਨ ਫਖਰ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਨੀ ਬੇਟੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਨਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਵੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਗਿਆ ਤੇ ਅਰਬ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਉਧੜ ਗਿਆ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟਮੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੱਖਰ ਕਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਬਉਦੀਨ ਗੋਰੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖਸੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਟਰ ਪੱਥੀ ਵੀ ਦਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਟਰ ਪੱਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸਲਾਹਉਦੀਨ ਅਯੂਬੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਸਾ ਖਾਤਮ ਬਦਾਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਸ ਚੜਾ ਇੱਕ ਬਚਣਾ ਤੁਸਾਂ ਦਾਸਾਂ ਬਚਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਏ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਦੀਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟੁਰ ਗਿਆ ਆਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਸੀ ਕੀ ਉਸਨੇ ਜਫਾ ਸੇ ਤੌਬਾ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜ਼ੂਦ ਪਸ਼ੇਮਾ ਆਇਆ ਪਸ਼ੇਮਾ ਹੁਣ ਪਛਤਾਣੇ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਨੇ ਸਨ ਆਗ ਲੱਗੀ ਜੰਗਲ ਕੋ ਜਲਨੇ ਲੱਗੇ ਸਫਾਤ ਹੈ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੰਗਲ ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਜਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾਮੂਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਮੈਂ ਆਗ ਲੱਗੀ ਜੰਗਲ ਕੋ ਜਲਨੇ ਲੱਗੇ ਸਫਾਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਭੁੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਬਾਬ ਬਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੜ ਰਹੇ ਤਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਉਡੋੜੋ ਪੰਛੀਓ ਜਬ ਪੰਖ ਤੁਹਾਰੇ ਸਾਥ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਮੇਵਾ ਖਾਦਾ ਇਸਕਾ ਨਾਸ ਕੀਏ ਸਫਾਤ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਿਆ ਮੇਵਾ ਇਸਦਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਦਾ ਅਬ ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਧਰਮ ਯਹੀ ਕਿ ਚਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਹਮਾਰਾ ਧਰਮ ਵੀ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਦੀਨ ਕੇ ਸਾਥ ਜੀਏ ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਦੀਨ ਕੇ ਸਾਥ ਮਰੇ ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਦੀਨ ਕੇ ਸਾਥ ਉਠੇ ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਦੀਨ ਕੇ ਸਾਥ ਔਰ ਮੰਜ਼ਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਸੂਏ ਅਸ਼ਰ ਚਲੇਂਗੇ ਤੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮ ਸੂਏ ਅਸ਼ਰ ਚਲੇਂਗੇ ਔਰ ਕਾਫਿਲਾ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਇਹ ਤੋ ਤੈਬਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਅਰ